तीन हजार आठ सौ शेयर है तिरपन रुपए पंद्रह रुपए से पे है आ, पहले आपने बताया था जी ब्लिंकिट का भी कुछ परफॉर्मेंस आएगा और कई मैंने अभी चैनल में देखे थे आपके इसमें कि ढाई सौ तक के कुछ एक्सक्यूज <laughs> कुछ ढाई सौ रुपए तक के टारगेट दिखा रहे थे लेकिन ऑफ लेट दो तीन दिन में ये काफी कुछ लुढ़क गया है

कहाँ तक बात पहुंची प्रॉफिट को लेकर के उसके काम काज को लेकर के तो उसके आधार पर यह है कि अब इनका वही एक प्रॉब्लम एरिया है जिसको इनको एड्रेस करना है खासतौर तो पर बाकी मेन जोमेटो में तो अभी प्रॉफिट बना भी रहे हैं और कोशिश लगातार कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन आपका सही है कि 200 तक जाके अभी आ गया एक 184 पर और बाइंग बहुत अच्छे लेवल की है राजेश जी तिरपन रुपये में खरीदा है आई थिंक नीरज जी उन्हें होल्ड करना चाहिए मैं जोमेटो का चार्ट देख रहा हूँ ये वीकली चार्ट और मंथली चार्ट देख रहा हूँ तो मंथली चार्ट पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है वो है 167 का लेवल 168 का टू तो बी वेरी प्रिसाइज और 168 का जो ब्रेकआउट है ये अभी इसका फ्लोर बनेगा तो मुझे लगता है 165 168 ये फ्लोर बना के इवेंचुअली ये 200 के पार चला जाएगा प्रोबेबली 220 225 इसका पहला टारगेट होगा तो यस मेरे हिसाब से उन्हें बने रहना चाहिए लेकिन जैसे कि हमने सपोर्ट की बात की 165 टू 168 तो इसका स्टॉप लॉस प्लेस होगा देखिए पोजिशनल करेंगे तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप ही रखेंगे हिट रन केस नहीं होना चाहिए तो 155 का स्टॉप लॉस रखे और बने रहे मुझे लगता है इवेंचुअली दो सौ के पार चला जाएगा काउंटर में स्ट्रेंथ स्लोली एंड स्टेडीली आ रही है काउंटर में स्ट्रेंथ स्लोली एंड स्टेडीली आ रही है सूर्य जी ये इसने अपना बहुत बुरा दौर देख लिया है अब ये अच्छे दौर में है तो चूँकि ऑफकोर्स जैसे मान लिया आपके जैसे ही कोई होगा पचास रुपये साठ रुपये सत्तर रुपये में लिया दो सौ तक गया तो मन में कोई ना कोई तो होगा जो प्रॉफिट ज़रूर ले रहा होगा तो अब इसमें यह है कि अगर आप लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए या आपको लगता है कि नहीं काफ़ी चल चुका है पैसे की ज़रूरत है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो कि ह्यूज प्रॉफिट आपको इसमें है लेकिन हमें मेरी सलाह ये है कि भी रिजल्ट एक बार थोड़ा देखना चाहिए इनका मैनेजमेंट काफ़ी सेंसिटिव है इस बार तो होल्ड करिए फिलहाल राजेश जी भी कह रहे हैं चार्ट पे और रिजल्ट के बाद एक बार हम लोग फिर बात करेंगे और हमारी लोगों की नजर आएगी जोमैटो की स्थिति क्या बनती हुई दिख रही है वोडा में क्या करेंगे राजेश जी आप सबसे जरूरी सवाल है आज के दिन का ये देखिए टेक्निकली अगर आप देखें तो मुझे लगता है ये बारह और तेरह ये इसके एक सपोर्ट रेंज बन रही है अगर आप इसके टू हंड्रेड डीएमए की बात करें वहां एक स्पेसिफिक लेवल बारह रुपए चालीस प्रेस है तो यही हो गया बारह से तेरह मोटा मोटी हमें ये पकड़ के चलेंगे तो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट आ रहा है और जैसे कि हम न्यूज देख रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज में जो नोटिस कर रहा हूँ कि न्यूज तो आ रही है लेकिन न्यूज के सामने बाइंग नहीं हो रही है चार्ट पे कहीं वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं चार्ट पे कहीं वो हलचल जो दिखनी चाहिए थी वो नहीं